Raashi? Raashi? Jaisi? Jaisi? Raashi ko dekha? Ma'am, wo to chali gayi. Chali gayi? Par kahan? Maine to use aaj school bhi nahi bheja. I know, ma'am. वो तो तभी रेडी होकर चली गई थी जब आप सर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पर किससे पूछ के, किसकी परमिशन से? मैम, सिर्फ सनी मुझे बताकर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। तुम जाओ। राशि कैसे चली गई? ना मुझे बताया, ना मुझसे पूछा, फिर कैसे चली गई? और गई कहाँ? गेम तो नहीं खेल रही? हाँ पिंकी बोल। दीदी, राशि ना भाग गई। क्या? हाँ, आज ना मैंने उसे अपने कमरे से निकलने से मना किया था। उसे तो आज मैंने स्कूल भी नहीं जाने दिया। कल से जीत की आंखों से बचा रही हूँ उसे। कहीं जीत ने उसके बाल देख लिए होते तो। हाय बेचारे भाई साहब, फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। दीदी, मैं तो उसके कमरे में गई थी उसे देखने, और फिर मुझे पता चला कि वो बिना पूछे बिना किसी को बताए चली गई। अरे बेवकूफ, कमरे से नहीं घर से गई है। जब मैं तुझसे कह रही थी कि उसे सख्ती से पेश आ, तब तो मैं तुझे सबसे बड़ी दुश्मन नजर आ रही थी। दीदी, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या बताऊँ क्या करे? तुझे कोई आइडिया है कहाँ गई है? वो, अरे हाँ, वो याद आया, उसका कुछ प्लान था अपने दोस्तों के साथ किसी इवेंट पे जाने का। वो दोस्त, वो रंग बिरंगे जानवर, जरूर चिड़ियाघर गए होंगे। खैर, मैंने गिन्नी से कहा था उससे बात करने के लिए, क्या पता उसने बात किया हो। हैं? वो आगे, एक मिनट रुक। ओए गिन्नी, इधर आ। कहाँ जा रही है तू? राशि से मिलने। राशि से मिलने? तुझे पता है राशि कहाँ है? दीदी, मुझे बात करने दो ना गिन्नी से, प्लीज। ओ तू चुप कर, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं हैंडल कर रही हूँ। तुझे जितना गुड़गोबर करना था ना तू कर चुकी है, अब मेरी बारी है। मतलब मैं हैंडल कर रही हूँ, करने दे। तुझे पता है राशि कहाँ है? हाँ माँ, मेरी उससे बात हुई थी, उसने मुझे पार्किंग लॉट में बुलाया है। कहाँ? वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो हम दो बहनों के बीच की बात है। देख सुन, तेरी बहन की वजह से ना मेरी बहन परेशान है, और तेरी बहन ना मेरी बहन की बेटी है, तो याद रख। दीदी, मेरी एक बार बात तो करवा दो। अच्छा एक बात बता, जब तेरी उससे बात हुई थी तब उसने तुझसे कुछ कहा था कि वो घर से भागने वाली है, मतलब ऐसा कोई प्लान कर रही है? नहीं माँ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई है, और अगर आप मुझे जाने दोगे तभी तो मैं उससे बात कर सकती हूँ ना माँ। अच्छा सुन, ये कह रही है। दीदी, मेरी एक बार बात तो करवा दो। हाँ तो चिल्ला क्यों रही है? लेकर मौसी से बात कर, पता नहीं पगलाई जा रही है। हेलो मौसी। गिनी, गिनी, उससे कहना बेटा कि मौसी अब रिलैक्स करो, मैं भी राशि के पास जा रही हूँ, फिर उसे मना कर और नॉर्मल बना कर ही वापस लाऊंगी। गिनी बेटा, तेरा यह एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ओके। अच्छा मुझे बता, तू जब उससे मिलेगी तो क्या बोलेगी? उससे कहना कि मासी बहुत गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी कि वो खुद तुझे लेने आ रही थी, लेकिन फिर मासी ने सोचा कि लास्ट एक मौका दे ही दूं, इसलिए वो नहीं आई। अगर आती ना तो कान पकड़ कर घर लेकर आती, इसलिए चुपचाप घर वापस आ जा। माँ भूल गई हो, डर के आगे जीत है। मतलब ये है माँ कि आपके ना ये हमेशा डराने धमकाने का फॉर्मूला हर वक्त नहीं चलने वाला। मैं जीत के आती हूँ। क्योंकि बच्चे भी हाथ से निकल जा रहे हैं। भाटी, क्या जगह है? यहाँ ना शूटिंग होती है एल्बम्स की। ये तो पता है, आई मीन ये ठीक है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? हम ना लीसा से मिलने आए हैं। लीसा बैनर्जी, नाम सुना है? शी इज अ टॉप मॉडल, पर सेकंड एड में आती है, और हम सब उसके ग्रुपीज हैं। शी इज अ स्टार। ओह यस। नहीं, तुझे पता है ये इतना कमाती है कि मुंबई में उसके दो दो फ्लैट्स हैं। वो मुंबई में रहती है? नो गिनी, वो ना दिल्ली में ही रहती है, पर मुंबई में उसका आना जाना रहता है। उसने तो पूरी दुनिया घूमी है अकेले। ओह नो गिनी, अपनी मौसी के साथ। क्या तूने अपने मौसी के बारे में सोचा राशि? गिनी हाँ, तुझे पता है शूटिंग में इतना मजा आता है, और यहाँ का ग्लैमर देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि
यही रह जाऊं हमेशा। राशि, तूने पिंकी मौसी को बोला कि तू यहाँ शूटिंग पे आई है? ओह प्लीज गिनी, मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और आई एम इंडिपेंडेंट। रावी दीदी और सनी की तरह नहीं, तुम्हें हर दम मम्मी और पापा की जरूरत है। Come on girls, let's go! क्या करूँ मैं? नानू को कॉल करती हूँ। हेलो नानू, मैं राशि के साथ हूँ, आप बताना मैं क्या करूँ? मैं तो बस राशि को ये दिखाना चाहती हूँ कि उसकी फ्रेंड्स उसके किसी काम की नहीं है, बिल्कुल ही बदतमीज, बेकार और बेवकूफ है। एनीवेज नानू, बाय, थैंक यू। गिन्नी फोन नहीं उठा रही है। अरे मुझे पता तो चले वहाँ हो क्या रहा है, प्रॉब्लम है या नहीं। ये तो तू चाहती है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो? पापा जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर फोन रखना। तुझे ना शांति तब मिलती है जब दूसरों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और तू उसे सॉल्व करने के लिए बीच में दखल दे। आपकी दखल अंदाजी की दूसरे को तभी जरूरत पड़ेगी ना जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। पापा जी, आप क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पुत्र जी, मैं साफ साफ लफ्जों में तुझे समझाना चाह रहा हूँ कि आप अब दखलबाज होते जा रहे हो। पर पापा जी, बस कर पुत्र, थोड़ा थम जा, ठंड रख। तुझे समझ में नहीं आता कि तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं क्या? बड़े हो गए, अब उनकी बातों में दखल अंदाजी करनी बंद कर दे। वो तुझसे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, पर उन बाहर उनकी जिंदगी पे, उनके फ्यूचर पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। वो तुझसे अलग हो जाएंगे, अंदर ही अंदर तुझसे घृणा करेंगे, घुलने लगेंगे वो, और फिर उनके स्वभाव पे इसका असर पड़ेगा और वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। पिंकी, तुझे भी ऐसा ही लगता है? आप नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे बस लगता है कि आप कभी कभी अपने फ्री टाइम में मैं क्या करूं अब यही आपको समझ में नहीं आता। अब दीदी, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब अपने में मस्त रहते हैं, तो आप बेचैन हो रही हैं। हाय बेटी, जितने रहो। कैसा? फर्स्ट क्लास। क्या हुआ? All fine. तो राशि भाग गई। भाग गई? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। एक्चुअली राशि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई। मुझसे बिना पूछे। मैं तो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। मुझे उसके साथ ना और सख्त होना पड़ेगा। मम्मा, आप कब हमारे साथ सख्त हैं? आप ऐसे हो ही नहीं। और पता नहीं आप ऐसे क्यों बनना चाह रहे हो। और रही बात राशि की, तो मामा पता है मैंने सुबह से बैठकर ना इसी के बारे में सोच रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि राशि आजकल हमारी बात नहीं सुनती है, पर मामा देखा जाए तो हम भी कहाँ उसकी बात सुनते हैं आजकल। वो थोड़ी सी अजीब हो गई है, बट हम भी तो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं ना। अगर हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? पड़ोसी। मामा, आई थिंक हम इससे बात करें। हाँ
हाँ तो मैं बात करती हूँ ना उससे। कहाँ करती हूँ? बिल्कुल नहीं करती। मम्मा मैं आपकी लेटेस्ट फ्रेंड बन गई। सकी आप मेरे लिए गिफ्ट लाए, सनी के लिए गिफ्ट लाए, इन राशि। अरे पर उसके लिए तो गिफ्ट आ रहा है ना अमेरिका से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या ये बात आपने उसे समझाई, उससे बिठाकर बात की? मम्मा आपको पता है उस दिन मुझे भी लगा था कि आप बहाने बना रहे हैं। रावी बिल्कुल ठीक कह रही है पिंकी, हम ही पागल हैं जो बात को समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे बच्चे देखो कितने समझदार हो गए। और रावी ने कितनी समझदारी की बात की, तुझे ना रावी की बात माननी चाहिए। हाँ तो दीदी रावी तो है ही समझदार, लेकिन राशि के बारे में मैं ये नहीं कह सकती। उसे हैंडल करने के लिए ना मुझे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। अब बस करो, चली की चली रहेगी ना, सीखना नहीं कुछ लाइफ में है। गिन्नी गई है ना उसे लेने के लिए, तो भरोसा करो ना उस पे, ले आएगी ना वो राशि को। Bend down. Excuse me. ये आप मॉडल्स किधर है? मॉडल उस तरफ। ओके। तो क्रेन पीछे लो। राइडिंग आ जाओ। आपका शॉट रेडी। तो बड़ी अलग लगती हो। लगना पड़ता है, I'm a star. Oh, yeah. और फिर आए दिन मुझे कितने शूट करने पड़ते हैं, कभी नॉटी बच्ची, कभी गुड गर्ल, कभी पापा'स बेबी और कभी मामा'स जॉय। कितना प्रेशर पड़ता है मुझ पर। After all, मैं सबकी आइडल हूँ। Oh, babe, you're so sweet, Lisa. जूस ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? लीसा, हमने तुम्हारे लिए कुछ वर्कआउट किया, प्लीज देखोगी? इट्स एक्चुअली अ मिमाज गागन सीन। ओके रेडी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये हाउ डू यू लाइक इट? इट वाज रियली नाइस। थैंक यू। क्या हो गया राशि को? वो इस लल्लू की चमची क्यों बनना चाहती है? अगर इन बेवकूफों से मैंने राशि को बचाया नहीं ना, मेरी बहन तो सच में पागल हो जाएगी। लगता है नानू का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। राशि, एक्चुअली अर्जेंट है, रावी से प्रॉब्लम में है। तो कौन सी बड़ी बात है? अरे यार रावी दीदी को भूल गई। क्या हो रहा है? Tangent danger. Poor Benji. राशि मैं सच कह रही हूँ। रावी दीदी ना वो संसद मार्ग पे धरना दे रही थी, स्टूडेंट मार्च, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। राशि जेल में? What? जेल में? Oh no, jail. No, down market. Excuse me? इसमें down market क्या है? Exactly. Oh please. Shut up. राशि क्या करेगी नी? राशि जो भी करना है हमें करना पड़ेगा। हम घर वालों को तो फोन करके बोल नहीं सकते। घर वालों को फोन करके नहीं बता सकते तो फिर क्या करेंगे? अब राशि अपने फ्रेंड से पूछना, क्या पता अब उनके कोई पेरेंट्स का जुगाड़ हो सकता है ना, पहचान है ना। देवा तुम किसी को जानती हो? तुम्हारे पेरेंट्स किसी को जानते हैं क्या पुलिस में? प्लीज हेल्प मी। No way, Raash. मैं तो पुलिस स्टेशन जाने की सोच भी नहीं सकती। पुलिस के नाम से तो चक्कर आता है, और फिर मेरा अपॉइंटमेंट भी तो है, और तुझे तो पता है आर्टिस्ट का अपॉइंटमेंट कितनी मुश्किल से मिलता है। So I had to go there now. And what about you? You know what? मेरे पेरेंट्स तो जेल सुनकर ही मुझे बंद कर देंगे, और लीसा तो शूटिंग छोड़ के जा नहीं सकती है ना लीसा? Oh yeah. लीजा, विल यू प्लीज हेल्प मी? मेरे फोन को चार्ज पर लगा दो।
दोस्त, अगर मैं तुम्हें पार्टी में इनवाइट करती तो जरूर आते ना। So what? किन्नी, अब क्या करें? ऑटो, जल्दी! ऑटो, ऑटो, राशि रुक! अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा ना, कोई तुम दूसरे ऑटो नहीं पकड़ सकते थे क्या? अरे राशि रुक! ऑटो! राशि कौन से पुलिस स्टेशन जाना था? सांसद मैडम। राशि चिल। रावी दीदी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अरे मैंने सिर्फ नाटक किया था ताकि तू समझे कि तेरे फ्रेंड्स कितने मतलबी है। राशि, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, प्लीज। फ्रेंड्स ही क्या, गिनी सभी मतलबी है, घर पे भी सबका ऐसा ही है। तेरा दिमाग फिर गया राशि, तुझे पता है घर पे सब कितने टेंशन में, इमरजेंसी मीटिंग चल रही है घर पे और पार्टी प्रेसिडेंट भी आए। नानू? हाँ राशि, सब तुझसे बहुत प्यार करते, सबसे ज्यादा प्यार तो मैं तुझे करती हूँ, है ना? मामा तो बस मेरे बालों से ही परेशान है। वो तो नेचुरली है, क्योंकि उनको टेंशन है। और मौसा जी अगर तुझे ऐसी हालत में देखेंगे ना तो बेहोशी हो जाएंगे। वो तो है। ऑटो! तो राशि, घर चलते, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? भैया जैकेट। हाँ मामा, अब जैसे डिस्कस किए ना आप वैसे ही करना, ठीक है? लो राशि आ गई। बेटा मामा को हग करते। आजा आजा गिन्नी कौर आलूवालिया, भाई आज तो तूने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू नानू, थैंक यू। ओले बेटा, बैठो बैठो बैठो। देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, हैं? अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लायक हो गए। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दो। वो नहीं तो क्या, नाक में दम कर रखा है और खबरदार जो आज समझ गए, अपने ही बच्चे हैं ना, तू कब समझेगी ये नहीं पता। चाय बनाओ। हाँ हाँ बेटा, बना सबके लिए बना। मैं भूल रही है कि डर के आगे जीत है। इसे समझ में नहीं आना क्या? और यही कि डरा धमका के काम नहीं चलता, बच्चे बागी हो जाते हैं। संस्कार दिए हैं ना तूने बच्चों को, हैं? तो बस आगे जाके वो संस्कार ही बच्चों को संभाल लेंगे और गर्व कर इन पे, ना कि इस चीज का इंतजार करके आ गई है ना प्रॉब्लम, अब आओ मेरे पास। मम्मा, रियली वेरी सॉरी। नहीं बेटा, आई एम सॉरी, मुझे ना तुझसे बहुत बातें करनी है, इधर आ। अब बता कब जाना, सिर्फ तू और मैं, गर्ल्स डे आउट। ओए, तेरे हाथों में काला काला क्या लगा? ओ, वाटर कलर। वाटर कलर? हाँ, वाटर कलर। तो क्या है ना, जब मैंने बालों को कलर किया था ना तो वैसे बचे नहीं, सब खर्च हो गए। जब वापस ब्लैक कलर करना था ना तो हमने ना वाटर कलर खरीद कर ही बालों को रंग दिए। इतने इंटेलिजेंट हो ना तुम दोनों। थैंक यू। तो बस स्कूल है फिर, तू और मैं ना स्पा जाएंगे। हाँ, लेट्स रॉक। मौसी, क्यों ना आप मुझे और रावी दीदी को भी साथ में लेके चलो। नहीं नहीं, आज सिर्फ मैं और राशि जाएंगे। तू और स्वीटी दीदी ना कल चले जाना, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी स्पा का, मेरी तरफ से ट्रीट। मौसी, ऐसा नहीं हो सकता कि माँ के बदले मैं और रावी दीदी चले जाए। क्यों, हम दोनों क्यों नहीं जा सकते? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी, आपके साथ ही तो चलूंगी ना।